दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एनयूएस की बड़ी भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं, जहाँ दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से नया नोटिफिकेशन है जो कि जारी कर दिया गया है। ऑल इंडिया की भर्ती है, टीचर पीईटी लाइब्रेरियन के लिए 26,250 सैलरी, जबकि स्टाफ नर्स के लिए 20,000 पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या पोस्ट वाइज वैकेंसी निकली है, क्या पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, क्या यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं एनवीएस वैकेंसी की पूरी जानकारी। जहां दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से नया नोटिफिकेशन है जो कि जारी कर दिया गया है। पोस्ट है इसमें म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल, लाइब्रेरियन और स्टाफ नर्स की। पोस्ट वाइज वैकेंसीज की जानकारी आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो, हम आपको पूरा नोटिफिकेशन डिटेल्स में दिखाएंगे। बात अगर सैलरी की जाए तो म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पीटी मेल या फीमेल और लाइब्रेरियन के लिए 26,250 सैलरी पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए 20,000 सैलरी पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की बात की जाए तो 12th डिग्री डिप्लोमा बीएड से आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन आप नोटिफिकेशन से पोस्ट वाइज चेक कर सकते हो और एलिजिबिलिटी मैच करने के बाद में आप सिंपली किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। एनवीएस रूल के अकॉर्डिंग आयु सीमा तय की जाएगी, शुल्क भी आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन की वहीं बात की जाए तो रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू से इसमें आपका चयन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। navodaya.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप इस भर्ती के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 31 अक्टूबर 2020 है। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके टेबल के एंड में आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ की टैब दी गई है। जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से नया नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जहाँ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पीटी मेल फीमेल, लाइब्रेरियन और स्टाफ नर्स फीमेल की। जहाँ दोस्तों इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट दिए गए हैं जिनको फॉलो करके आप सिंपली आवेदन कर सकते हो। 31/10/2020 तक आप आवेदन फॉर्म सेंड कर सकते हो। यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज एड्रेस दिया गया है जिस पोस्ट का, जिस एड्रेस पर आपको आवेदन फॉर्म सेंड करना होगा। जैसे कि म्यूजिक टीचर के लिए 13 वैकेंसीज है, इस एड्रेस पर आपको आवेदन फॉर्म 31/10 तक शाम 5 बजे तक सेंड करना होगा। आर्ट टीचर के लिए 17 वैकेंसीज है, एड्रेस यहाँ पर ये दिया गया है, इसके सामने आप चेक कर सकते हो। पीटी मेल के लिए भी 20 वैकेंसीज है, एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। पीटी फीमेल के लिए 13 वैकेंसीज, एड्रेस आप चेक कर सकते हो। लाइब्रेरियन के लिए 12 वैकेंसीज, स्टाफ नर्स फीमेल के लिए भी 21 वैकेंसीज है, एड्रेस आप सिंपली चेक कर सकते हो जिस पर आपको आवेदन फॉर्म भरने के बाद में सेंड करना होगा। सैलरी पोस्ट वाइज आप यहां से भी चेक कर सकते हो। जैसे आप इस पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करोगे तो क्वालिफिकेशन की आपको पोस्ट वाइज कंप्लीट जानकारी दी गई है। जैसे कि आर्ट टीचर सभी पोस्ट के लिए आप यहाँ से इस टेबल से वीडियो को पॉज करके, नहीं तो फिर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके सिंपली चेक कर सकते हो। बात अगर एप्लीकेशन फॉर्म की जाए तो आप इसी पीडीएफ के एंड में देख सकते हो, यहाँ से आप इसको क्रॉप कर सकते हो। पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी, उसके बाद टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फुल एड्रेस आपको डालना होगा। कम्युनिकेशन के लिए लास्ट यहाँ पर राइट साइड में आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना होगा। होम डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी और साथ साथ यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप करनी होगी। इसी तरह आपको ये कम्प्लीटली फॉर्म फिलअप करना होगा और भरने के बाद में ऑफिशियल एड्रेस पर सेंड कर देना होगा जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।